हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटी पावर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एएमयू क्लास 9 एंट्रेंस एग्ज़ाम कट ऑफ के बारे में। आपको रिटेन एग्ज़ाम में कितने मार्क्स लाने होंगे कि आपको इंटरव्यू देने का मौका मिले, और टोटल कितने स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, टोटल सीट्स कितनी हैं बॉयज़ की गर्ल्स की। तो एएमयू कट ऑफ की आपको पूरी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक जानकारी देना चाहूँगा। इस वीडियो को अगर स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो अपने पेरेंट्स को इस वीडियो को ज़रूर दिखाएं, और अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को इस वीडियो को ज़रूर दिखाएं, ताकि आप एनालाइज कर सकें कि आपको किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है। तो मैं यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो गर्ल्स के लिए जो सीट है वो है 190 सीट यानी 190 सीट, और बॉयज़ के लिए जो सीट है वो है 270 यानी 270 सीट। तो टोटल सीट है हमारे पास 450 यानी 450 सीट हैं गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की मिलाकर। आप यहां पे देख सकते हैं स्क्रीन पर किस स्कूल में कितनी सीट है। सभी स्कूलों में 90-90 सीट है यानी 90 सीट है हर स्कूल में। आप स्कूल के नाम देख सकते हैं। अब हम जान लेते हैं इंटरव्यू के लिए कितने स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। तो यहां पे सीट 190 गर्ल्स के लिए है, 270 यहां पर आपके बॉयज़ के लिए है, टोटल 450 सीट है। तो यहाँ पर 450 सीट के लिए आपको इंटरव्यू के लिए लगभग 800 यानी 800 स्टूडेंट को लगभग बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। फिर जो इंटरव्यू और रिटेन एग्जाम के जो मार्क्स होते हैं उनका टोटल करके आपका एडमिशन होता है फाइनल। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एवरेज कट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। हमने लास्ट 5 ईयर के डेटा को एनालाइज करके ये कट ऑफ का एवरेज निकाला है। इसके यहाँ पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात आपके लिए ये है कि आपको कोई यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, यानी आपको जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, चाहे आपको आंसर पता हो या ना हो, क्योंकि आपका कोई मार्क्स कटने वाला नहीं है। यहाँ पे हमने जो एवरेज निकाला है गर्ल्स के लिए जो कट ऑफ रही है वो 77% रही है, यानी कि 85 मार्क्स में से 65 मिनिमम होना चाहिए आपका सिलेक्शन के लिए। और बॉयज़ के लिए जो कट ऑफ रही है अप्रोक्स वो रही है 82%, यानी कि आपको 85 में से 70 मार्क्स होने चाहिए आपको इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट 5 ईयर का हमने ये डेटा निकाला है। तो यहाँ पे 85 आपके मार्क्स होते हैं रिटेन एग्जाम के और 15 मार्क्स होते हैं आपके इंटरव्यू के लिए। तो अब हम जान लेते हैं 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में क्लास 9th के एग्जैक्ट कट ऑफ क्या रही थी गर्ल्स की। तो गर्ल्स की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 60। तो ये आप सोच रहे होंगे 60 इतना कम कैसे हो गया, अभी हम ये जान लेंगे ये इतना कम कैसे रहा था लास्ट ईयर। बॉयज़ का रहा था 64 यानी 64 मार्क्स वाले स्टूडेंट का हो गया था बॉयज़ में। इसका रीज़न क्या था कि 2021 में आपका इतने कम मार्क्स में सिलेक्शन हुआ था, तो इसका रीज़न ये था कि टोटल मार्क्स वैसे 85 होता है लेकिन लास्ट ईयर 7 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए थे, तो आपका जो मार्क्स आया था ये 78 में से आया था, इसी वजह से ये कट ऑफ कम रहा था लास्ट ईयर। और इंटरव्यू का तो आपका 15 मार्क्स फिक्स रहता ही है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं हम 2022 का क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे आप गर्ल्स के लिए बात करें तो 65 टू 68 मार्क्स आपको चाहिए होंगे इंटरव्यू के लिए। आप इंटरव्यू में तभी बैठ पाएंगे जब आपके 65 टू 68 मार्क्स रहेंगे गर्ल्स के लिए। और बॉयज़ की बात करें तो आपके 69 टू 73 मार्क्स होने चाहिए 2022 के इंटरव्यू में बैठने के लिए। नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहेगा। ये जो हमने मार्क्स की जो कट ऑफ निकाली है ये 85 के बेसिस पे निकाली है। अगर कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं होता है तो आपको इतना मार्क्स चाहिए ही चाहिए, गर्ल्स को 65 टू 68, बॉयज़ को 69 टू 63। यानी अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो यहाँ पे भी आपका कट ऑफ कम रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।